मधुपुर में 32 बीघा जमीन को लेकर दो पक्षों में चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें, मधुपुर महाविद्यालय के 32 बीघा जमीन की घेराबंदी करने गए एक पक्ष पर प्रशासन ने रोक तो लगा दी है, लेकिन यह विवाद प्रशासन के लिए भी सिरदर्द बन गया है। हम लोग एक जमीन बिना बाजार का जमीन जिसका थोका नंबर 220 है, और ये जमीन हम लोग 1987 में कलकत्ता रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्ट्री कराए हैं, और इसका आके मोटिशन और रसीद कटा रहे हैं। ये सुरेश चंद्र बनर्जी के वारिसान ने सब मिल के हम लोगों को रजिस्ट्री किया है। हम लोग 5 आदमी मिल के लिए हैं, 6 आदमी मिल के लिए हैं, और इस जमीन का थोका नंबर 220 है। मधुपुर महाविद्यालय की जमीन मीना बाजार में स्थित है, जो इंदिरा गांधी मैदान के नाम से जाना जाता है, उसका थोका नंबर 418 है, और वो जमीन पूरी तरह से मधुपुर महाविद्यालय की है। हम लोग न्यायालय में अपील में गए हैं, न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि मुझे न्यायालय से एक दिन न एक दिन न्याय अवश्य मिलेगा। इस वक्त हम खड़े हैं मधुपुर पथरचप्पी मोजा के मीना बाजार मैदान में, और यह मैदान जो है, इस मैदान के दावेदार अनेक हैं। इस मैदान में एक पक्ष जो दावा कर रहा है मधुपुर महाविद्यालय, मधुपुर महाविद्यालय थोका नंबर 418 पर अपना दावा कर रही है, और मधुपुर महाविद्यालय का कहना है कि थोका नंबर 418 के माध्यम से 32 बीघा जमीन उसकी है, जो 1970 में हर गोविंद सिंह के द्वारा मधुपुर महाविद्यालय को उपलब्ध हुआ है, और मधुपुर महाविद्यालय थोका नंबर 418 में राजस्व विभाग को लगान भी भुगतान कर रही है। दूसरा पक्ष दीपनीता मजुमदार एवं अन्य, उनका भी दावा इसी भूखंड पर 32 बीघा जमीन को लेकर के है। दीपनीता मजुमदार जो दूसरा पक्ष है, उसका दावा है कि वर्ष 1914 में फोर्ड विलियम हाई कोर्ट कोलकाता के द्वारा नीलाम में उसे यह भूखंड प्राप्त हुआ था, और दीपनीता मजुमदार भी थोका नंबर 220 में राजस्व विभाग को लगान भुगतान कर रही है। पिछले दिनों इस भूमि को लेकर के जब द्वितीय पक्ष दीपनीता मजुमदार एवं अन्य जब इसकी घेराबंदी करने के लिए आए, तो मधुपुर महाविद्यालय की ओर से इन्हें रोका गया, और एक लंबे समय से मधुपुर महाविद्यालय इस मैदान पर अपना दावा कर रही है, यह खेल का मैदान है। तो ऐसे में अचानक से कुछ दावेदार आकर के जो इस भूखंड पर अपना दावा पेश कर रहे हैं, ऐसे में मधुपुर में जो लगातार जमीन के गड़बड़ झाला और खरीद बिक्री का जो अवैध खेल चल रहा है वो देखने में आता है। तो ये प्रशासन के लिए एक बड़ा प्रश्न है कि ये जमीन आखिर है किसकी। और जो दूसरा सवाल हम आपको बताना चाहेंगे कि दोनों पक्ष 32 बीघा जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन जब हम धरातल पर आए हैं तो इस धरातल पर वर्तमान में मात्र 5 बीघा ही जमीन खाली है, तो आखिर 27 बीघा जमीन गई तो गई कहाँ? ये एक बड़ा प्रश्न राजस्व विभाग के लिए और अंचल के लिए। तो अब ऐसे में देखना पड़ेगा कि इस बड़े विवाद को राजस्व विभाग किस प्रकार से सुलझा सकती है। लेकिन हाँ, मधुपुर में जो भूमि का जो खेल चल रहा है, गड़बड़झाला चल रहा है, वो बार बार देखने में आ रहा है। राजेश कुमार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।